सचिव घमासान के बीच दिल्ली में हुई पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीब 1.5 साल पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। जी आप इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ सिमरन, चलिए देखते हैं इस खबर को। राजधानी दिल्ली में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में करीब 1.25 साल बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। प्रदेश बीजेपी की कमान संभालने के बाद सतीश पुनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहली बार एक साथ किसी बड़ी बैठक में शामिल हुए हैं। प्रदेश बीजेपी में चल रहे घमासान के बीच रविवार को हुई इस बैठक में पुनिया ने पार्टी अध्यक्ष के समक्ष अपने कामकाज का ब्यूरो रखा, वहीं उपचुनाव को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रदेश बीजेपी में चल रहे विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के नेतृत्व में पदाधिकारियों को एकजुटता के साथ काम करने की हिदायत दी। दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और संगठन मंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहे। तो ये थी हमारे इस वक्त की अपडेट। इसी तरह की हर छोटी से बड़ी अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। नमस्कार।